कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं कॉर्बिस। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में कि ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट कितने प्रकार के होते हैं, ट्रस्ट डीड क्या है और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम ट्रस्ट डीड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, 12A और 80G सर्टिफिकेट क्या होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ती है अगर आप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 ट्रस्ट को एक संगठन के रूप में परिभाषित करता है, यानी कि डिफाइन करता है, जहां एक मालिक जिसको ट्रस्टर कहा जाता है वो अपनी प्रॉपर्टी के लीगल राइट एक ट्रस्टी यानी कि एक दूसरे व्यक्ति को देता है ताकि तीसरा व्यक्ति जिसको बेनिफिशियरी कहते हैं वो इसका लाभ उठा सके। देखिए, प्रॉपर्टी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो कैश, शेयर या भी किसी भी वैल्यूएबल एसेट के फॉर्म में हो सकती है। इस तरह की जो संपत्ति होती है वो एक ट्रस्टर ट्रस्टी को देता है, यानी कि स्थानांतरित करता है एक डिक्लेरेशन के साथ, ताकि जो बेनिफिशियरी है वो उस संपत्ति के लिए सुरक्षित रखी जा सके। टाइप ऑफ ट्रस्ट, अब हम बात करेंगे कि ट्रस्ट कितने प्रकार की होती है। हम आपको बता दें कि ट्रस्ट दो प्रकार के होती है। पहली होती है पब्लिक ट्रस्ट और दूसरी होती है प्राइवेट ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट वो होती है जो क्रिएट की जाती है बेनिफिट पहुंचाने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में, यानी कि बड़ी संख्या में जो लोगों का समूह होता है उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट की जाती है, जो फर्दर डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। पहली है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, दूसरी है पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट। अब बात करते हैं दूसरी ट्रस्ट की, जो होती है प्राइवेट ट्रस्ट। ये पब्लिक और चैरिटेबल पर्पज से हटके बनाई जाती है, यानी कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए उसको बेनिफिट देने के लिए इस ट्रस्ट को क्रिएट किया जाता है। व्हाट इज ट्रस्ट डीड एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए, जब भी बात आती है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की तो ट्रस्ट डीड होती है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ट्रस्ट डीड एक तरह का दस्तावेज होता है जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में काम आता है। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत की जाती है, जो इंक्लूड करती है जानकारियां, वो भी हम आपको बता देते हैं। ट्रस्ट का मोटिव क्या है, सेटलर और ट्रस्टी के इंफॉर्मेशन जैसे नाम, पता, फादर का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन, कुल ट्रस्टीज की संख्या, ट्रस्ट का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस, रूल्स और रेगुलेशन जो ट्रस्ट फॉलो करेगा, प्रपोज्ड नेम ट्रस्ट का, आईडी प्रूफ की कॉपी सेटलर और ट्रस्टी की, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ट्रस्टी और सेटलर का, और इसके अलावा सेटलर का प्रेजेंस मायने रखता है उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, साथ ही दो विटनेस रजिस्ट्रेशन टाइम के समय मौजूद रहने चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 12A और 80G सर्टिफिकेट की, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भी बात ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की आती है। 12A सर्टिफिकेट, देखिए, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आपके पास 12A सर्टिफिकेट होता है तो उसका फायदा आपको मिलता है, क्योंकि जो आपकी सरप्लस इनकम है उसमें, यानी कि एंटायर लाइफ टाइम के दौरान आपको इनकम टैक्स से छुटकारा मिलता है, यानी कि आप लायबल नहीं होते हैं इनकम टैक्स पे करने के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 12A सर्टिफिकेट इशू करता है। 80G सर्टिफिकेट, देखिए, किसी भी एनजीओ को 80G सर्टिफिकेट लेना जरूरी माना गया है, क्योंकि ये वो सर्टिफिकेट होता है जो परमिशन देता है, अलाउ करता है एक डोनर को कि जब भी डोनेशन की बारी आती है, डोनेशन का समय आता है, तो एक बेनिफिट मिल जाता है डोनर को, यानी कि डिडक्शन मिल जाता है जब भी आप डोनेशन करते हैं। बेनिफिट ऑफ ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, अगर आप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कई फायदे आपको मिलते हैं। पहला फायदे की बात करें तो पहला फायदा आपको मिलता है 80G सर्टिफिकेट का, दूसरा फायदा आपको मिलता है इनकम टैक्स का, तीसरा फायदा देखिए आप चैरिटेबल पर्पस में जो ट्रस्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है तो टैक्स एग्जेम्पशन होता है, यानी कि टैक्स डिडक्शन का फायदा आपको मिलता है। चौथे फायदे की बात की जाए तो सरकार की तरफ से कई लाभ ट्रस्ट को दिए जाते हैं जो कि काफी फायदेमंद होते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अगर आप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। पहला तो आईडी प्रूफ, दूसरा एड्रेस प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तीसरा ट्रस्ट डीड ऑन स्टैम्प पेपर, चौथा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और लास्ट में आपको एनओसी फ्रॉम लैंडलॉर्ड की तरफ से जरूरत पड़ती है। तो संपूर्ण जानकारी हमने ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको दे दी। जल्द आपसे मुलाकात करेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर भविष्य में आप ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप कॉर्बिस के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि कॉर्बिस आपको पूरे सरल और आसान तरीके से लीगल प्रोसीडिंग के साथ पूरे डॉक्यूमेंटेशन
और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत आपका काम आसानी से करवाती है। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।